आज इंटरनेशनल टूरिज्म हब बना है। अरे जम्मू कश्मीर के नागरिक आगे बढ़ चुके हैं, तो आजाद साहब भी उसी में से एक है। हिसाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं वो बीजेपी के नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कश्मीर जम्मू कश्मीर तरुण जी है। जी, तो आज तरुण जी से हम मुख्तलिफ सवालात जो लोगों के जहनों में हैं तो उनसे पूछेंगे। उम्मीद है कि वो तसली बखी जवाब देंगे। तो तरुण जी, आपका खैर मकदम है KNS के प्रोग्राम में। तो आज आपका करगिल का दौरा था, क्या मकसद था? ऐसे कि मैं पिछले 3 दिन से करगिल में हूँ और करगिल के अंदर काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ चुनाव लड़ रही है। हमें बड़ी उम्मीद है क्योंकि करगिल और ले पिछले लगभग 6 दशकों से यूटी की डिमांड कर रहा था। हमने 5 अगस्त 2019 को दोनों की 4 दशक पुरानी डिमांड यूटी बनाने की हमने पूरी की है और उसके बाद वह लगातार एक विकास की नई गाथा लिखी गई है। तो इस बार इसलिए हमने चुनाव भी लड़ रही है पार्टी वहाँ से और हमें बहुत उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ के लोगों का दिल जीतेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब बड़ा चर्चा है कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए जल्द अज जल्द और इलेक्शन कराए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी डिलिबरेटली इलेक्शन नहीं करा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं कि इनकी साख यहाँ नहीं हो पा रही है। तो क्या कहेंगे आप? ऐसे जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वो एक भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। अभी DDC का इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले, 280 सीटों पर चुनाव हुआ था। कश्मीर के अंदर 11 लाख लोग वोट करने के लिए निकले हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है कि कश्मीर के अंदर हर जिले में 1 लाख आदमी वोट के लिए निकले। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ये सब पार्टियों ने फारूक अब्दुल्ला साहब PDP जो एक गुपकार गठबंधन बना लिया था, वो गुपकार गठबंधन को 5 लाख लोगों ने नकारा है। उन्होंने मैसेज दिया कि ये लोग ठीक नहीं है, ये कश्मीर के अंदर से आवाज आई है क्योंकि यहाँ का आवाम दुखी। उन्हें पता है कि ये 3 परिवारों ने खासतौर पर अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, इन्होंने जम्मू कश्मीर को कई माध्यमों से लूटा। अब इनकी दाल नहीं गल रही है, इकट्ठे हो गए तो भी लोगों ने उन्हें स्वीकारा नहीं। लोग उनसे घृणा करते हैं, हेट करते हैं, उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। और आने वाले समय में ये जो घृणा है वो बढ़ने वाली है, कोई उनको अच्छा मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो ऐसे भ्रम पैदा कर रहे हैं। पहले दिन से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्टेटहुड दिया जाएगा, वी आर कमिटेड, इलेक्शन होंगे और इलेक्शन हो भी रहे हैं। देखिए, पंचायत हुए, BDC हुए, DDC हुए, अभी इलेक्ट्रोल बन रहा है, जल्दी इलेक्ट्रोल छाया होगा, ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, उसके बाद समय पर चुनाव होंगे। कौन रोक रहा है चुनाव को? तो नहीं, ये जो इल्ज़ाम है या ये जो कहते हैं कि ये डर रहे हैं BJP इलेक्शन कराने से, तो किससे डरना है? यानी इनकी जो हारे नकारे कुंठित हुए लोगों से डरना, जिनका घिनौना चेहरा जम्मू कश्मीर की जनता जान चुकी है उनसे डरना है, जिनकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है उनसे डरना है, उनसे डरना है जो हर मुद्दे पर जम्मू कश्मीर को लूटते रहे हैं। विकास करते थे तो अपने ही 3 परिवारों का विकास हुआ। तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप पूछिए NC से कि शेख अब्दुल्ला साहब से लेकर अभी शेख अब्दुल्ला साहब के साथ बाद फारूक अब्दुल्ला साहब के बाद उमर अब्दुल्ला साहब, उसके बाद कोई और छोटा अब्दुल्ला आ जाएगा,
क्या कश्मीर के अंदर एनसी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है जो उनका प्रेसिडेंट बन सके? क्या मुख्यमंत्री अब्दुल्ला खानदान के कोख से ही पैदा होता है? और पीडीपी है तो भी खानदानी शफा खाने खोल रखे हैं। आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता कैसे वोट करेगी? आम जनता का नेता कैसे चुन के आएगा? ये तो खानदानी शफा खाने, एक बैठा फिर दूसरा शफा खाने पे बैठा है। और अब ये नन्नन भाई जम्मू कश्मीर की जनता इनको नकार चुकी है। तरुण जी, अब इंडियन अलायंस के भी अब पार्टनर बन गए हैं, अब नेशनल लेवल पर भी इनका ये, तो क्या समझ रही है आप, क्या कहेंगे आप? ऐसा कि इसका कोई फर्क जम्मू कश्मीर की जनता पे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ने वाला। ये पहले भी तो गुपकार बना के इकट्ठे ही थे, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, तारेगामी साहब, सब इकट्ठे ही थे। क्या निकला? जनता ने नकार दिया। और ये अलायंस अलायंस कुछ नहीं है, ये वंशवादियों का जिम्मावड़ा है, थके हुए हंकारी और नकारा जिनको जनता ने नकार दिया, ऐसे नेताओं का कुनबा है, भानुमती का कुनबा। अब फारूक अब्दुल्ला साहब शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं, महबूबा जी शिवसेना से गठबंधन कर रही हैं। यहाँ की जनता को बताए ना कि उनका शिवसेना के प्रति अब स्टैंड क्या है। महबूबा जी बताएं कि शिवसेना ठीक है कि गलत है। जिस कांग्रेस को गाली देकर मुफ्ती साहब ने कांग्रेस छोड़ी थी जिस परिवार के कारण, आज उसी के साथ जाके आप नारे लगा रहे हैं। जिस राहुल गांधी को आप कुछ समझते नहीं थे, उसके बारे में चुटकुले करते थे, आज उसके साथ घूम रहे। क्या असर होगा फारूक अब्दुल्ला साहब का महाराष्ट्र पे? इस गठबंधन का क्या असर है? इस गठबंधन का फारूक अब्दुल्ला साहब नीतीश कुमार को वोट दिला सकते हैं, या नीतीश कुमार यहाँ आके फारूक अब्दुल्ला साहब को वोट दिला सकते हैं, या शिवसेना यहाँ आके महबूबा जी को वोट दिला सकती है? ये एक बिखरे हुए, एक और धोखा, धोखा ही है ये, बेसिकली क्वाइस है, धोखे का क्वाइस। तो जी हाल ही में अब G20 भी, इनसे पूछिए, 7 दशक इन 3 परिवारों के हाथ सत्ता रही, जम्मू कश्मीर का विकास कहाँ हुआ? 7 दशक इनके हाथ में सत्ता रही तो ये लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहाँ 6 महीने जाया नहीं जाता था। यहाँ आज हम टनल बना रहे हैं, आपने कब नहीं सोचा, कब सोचा? हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने कब सोचा? हम यहाँ टूरिज्म लेके आ रहे हैं, आपने कब सोचा? हाँ, यहाँ एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है, सबसे ज़्यादा जहाज यहाँ उतर रहे हैं। कभी सोचा जम्मू कश्मीर के लिए कुछ? स्टेट बांटने की बात कर रहे हैं कि 3 हिस्से किए हैं स्टेट को इस सरकार ने बीजेपी। कौन से 3 हिस्से? मतलब फिलहाल लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर अलग, अगर इकट्ठे ही भी है मगर अलग अलग कर रहे हैं, जम्मू अलग किया है। कहीं नहीं अलग कर रहे, जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर मोदी जी के विजन के साथ है, विकास और विश्वास के साथ है। आपने नौजवानों के हाथ में पेंसिल, पेन या कंप्यूटर पकड़ाने की बजाय पत्थर पकड़ा दिए, AK-47 पकड़ा दी, हैंडगन नेट पकड़ा दिया। ये है आपकी 7 साल की, 7 दशकों की सरकार? ये कैसी सरकार आपने चलाई? वो कत्ल भी करते हैं और कहते हैं गिनती भी ना करो। 1989 में कश्मीर को जब दहलाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री कौन था? जब यहां सड़कों पर आग बरस रही थी कौन था? गृहमंत्री कौन था? आतंकवादी जेलों से किसके कारण छोड़े गए? तब मुख्यमंत्री कौन था? किसकी बेटी के कारण छोड़े गए? देश इनका चेहरा जान चुका है। कभी ये भी चाइना की गाने गाते हैं, कभी ये पाकिस्तान का गाना गाते हैं। अरे भारत का गाना गाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के विकास का गाना गाना पड़ेगा, यहाँ की गरीबी से लड़ना पड़ेगा। लड़ाई तो जरूरी थी गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भय के खिलाफ, लेकिन ये तो उल्टा 3 परिवार
गरीबी बढ़ाने में, बेरोजगारी बढ़ाने में, भ्रष्टाचार बढ़ाने में लगे रहे। अतुल जी, ये 15 अगस्त के हवाले से अगर आप देखेंगे, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा जोश खरोश, तो किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? देखो, जम्मू कश्मीर अब इन 3 परिवारों के तोड़ने के मुद्दों पर नहीं आने वाला। अब ये रॉन्ग नैरेटिव पे नहीं जाने वाला। अब ये पाकिस्तान चाइना के नैरेटिव पे नहीं जाने वाला। ये जम्मू कश्मीर की आवाम ने खुलेआम कह दिया है, चाहे वो DDC चुनाव हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे मेरी माटी मेरा देश हो। आपने क्या दिया यहाँ पर? लाशें, खून, अगजनी, कर्फ्यू बंद। 5 अगस्त 2019 से मोदी जी ने 370 तोड़ी है। आज यहाँ आवाम खुश है। आपने टेरर दिया था, हमने टेररिज्म दिया। आपने पत्थर मारने वाले पैदा किए थे, हमने कंप्यूटर चलाने वाले बना दिए। आपने जो पत्थर सड़कों पे मारे थे, हमने उन पत्थरों की सड़कें बना दी। हमने एम्स दिया, हमने यहाँ पर IIT दिया, IIM दिया, हमने रोड्स दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने शांति दी, आपने बंद दिया, हमने विकास दिया, आपने कर्फ्यू दिया, हमने आगे बढ़ने का मौका दिया, आपने लाशें दी। सर, आप नहीं मानते कि तो फिर जो पॉलिटिशियन है, जो सियासतदान है, ये इनकी वजह से हुआ है? तो आप नहीं समझ रहे फिर पिछले 4 साल से गवर्नर रूल चल रहा है, ये बेहतर है बनस्बत पिछले जो सरकारें थी? आप नहीं समझ रहे? ऐसे कि सरकारों से बहुत अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रोल लोकतंत्र सबसे ज़रूरी है। और हमारी कमिटमेंट है यहाँ चुनी हुई सरकार, हमारी कमिटमेंट है, इसलिए हमने DDC कराया। हमारी कमिटमेंट है लोकतंत्र, हमने इसलिए BDC चुनाव कराया। हमारी कमिटमेंट है लोकतंत्र, इसलिए हमने पंचायत चुनाव कराया। हमारी कमिटमेंट है तो हमने ये अर्बन लोकल बॉडी का चुनाव कराया। और हमारी कमिटमेंट है यहाँ पर चुनी ही सरकार लाने का, हम पूरा करें। क्या है आपकी असेसमेंट, आप ग्राउंड, क्योंकि आप ऐसे कि जनता का मन अब इनके नेगेटिव एजेंडे में आने वाला नहीं है। अब जनता इन 3 परिवारों से छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। वो बार बार कह रही है बस करिए, बस करिए, आपकी जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने दीजिए। आज G20 यहाँ हो रहा, आपके समय में तो मंत्रिमंडल की मीटिंग नहीं हो पाती थी। आज यहाँ तिरंगा यात्राएं निकल रही, आज इंटरनेशनल टूरिज्म हब बना है। आपने इसे टेररिस्ट कैपिटल बना दिया था, हमने टूरिज्म कैपिटल बना दिया। आज यहाँ गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। आज यहाँ नौजवान आगे निकलकर सामने आए, वो आगे बढ़ना चाहते, पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते। जब देश के 4 बड़े शहरों में हवाई अड्डा था ना, जब देश की आज़ादी हुई थी, तब भी श्रीनगर में हवाई अड्डा था, लेकिन वो शहर मुंबई आज कहाँ पहुँचा है, हम कहाँ हैं? वो हैदराबाद कहाँ पहुँचा है, हम कहाँ हैं? दिल्ली वो कहाँ पहुँचा है, हम कहाँ हैं? कौन जिम्मेवार है 7 दशकों के कुशासन का? हिसाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। और आज फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को गुमराह कर देंगे। आप कहते पाकिस्तान से बात करो, महबूबा जी कहते चाइना से बात करो। अरे, जम्मू कश्मीर के नागरिक आगे बढ़ चुके हैं, बात करनी है तो उनसे ही करनी है, आगे बढ़ना है तो उनको ही बढ़ना है, तरक्की होनी तो उनकी होनी। अब तोड़ने का, लड़ाने का झंडा नहीं चल सकता। आजाद साहब के हवाले से एक सवाल ये, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं BJP को का सपोर्ट रहे, इसमें कितनी सदाकत है, क्या है ये? ऐसा है कि आज पूरा देश भाजपा का सपोर्टर है। आप किसी गांव में चले जाइए, मैं भी कल लेह के अंदर इंडस जो गांव है वहां होके आया हूँ, वो गांव की 80 साल की बुढ़िया भी कहती है मोदी मेरे घर पे पीने के पानी को पाइप पहुंचाया, मोदी मेरे घर पे रसोई गैस मोदी लाया,
मेरे घर पे राशन मोदी भेज रहा। वो गांव में अनपढ़ है, टीवी नहीं देखती, लेकिन उसको पता है इस देश का कोई रक्षक है तो नरेंद्र मोदी है, कोई गरीबों का मसीहा है तो नरेंद्र मोदी है। तो ये जो जवाब है जनता का, जो ये पॉजिटिवनेस है जनता की, ये मोदी जी के साथ है। आजाद साहब के बारे में, तो आजाद साहब भी उसी में से एक है। आजाद साहब कमेटी के मेंबर बने हैं, वो फॉर्मर लीडर हैं हाउस के। हमने तो सीटिंग को भी बनाया, अभिनंदन चौधरी जी को भी बनाया, आपने उस पर तो प्रश्न पूछा नहीं कि धीरंजन चौधरी जी भी बने हैं मेंबर, वो भी तो मेंबर बने हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिली, ये तो खुश होना चाहिए लोगों को। तो अपनी पार्टी बनाई इसलिए, ऐसा कि वो फॉर्मर लीडर हैं कांग्रेस के हाउस के, बहुत बड़ी बात है। और उनको लिया है कि हम देश के अंदर एक बड़ा सुधार लाना चाहते हैं, आइए मिलकर करते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को भी लिया है, देश के राष्ट्रपति उसके इंचार्ज बने। इसको हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना। अच्छा सर, एक ये है कि हाल ही में विदिन पार्टी बीजेपी में कुछ इख्तलाफात हुए, कुछ लोग सड़कों, अब कांग्रेस पार्टी जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब ने सारी जिंदगी गुजारी, वो उनका सम्मान नहीं कर रही, तो वो हमारा कसूर नहीं है। ये सोनिया गांधी जी को सोचना है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, अब उनके किए हुए कामों की अगर प्राइम मिनिस्टर प्रशंसा करते तो उसको राजनीतिक आईने से नहीं देखना चाहिए। तो ये जो हाल ही में बीजेपी में विद इन स्टेट लेवल की बीजेपी में इख्तलाफात कुछ हुए हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं नजर आ रहे, कुछ सड़कों पर नहीं दिख रहे। ये पार्टी के अंदर चार, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी, ये किसी बाप बेटे की, माँ बेटी की, चाचा भतीजे की पार्टी नहीं है। ये सब, इसमें कोई भी नागरिक सदस्य बन सकता है, और हम सब लोगों को कहेंगे आइए मिलके भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी आपके विजन को, आई नहीं है तो आना क्या, कोई नहीं, नहीं कोई ऐसा नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कुछ बिल्कुल सब पूरा परिवार संयुक्त है। परिवार में भाइयों भाइयों में विचार होता है, लेकिन पार्टी माँ है, सब इकट्ठे हैं। तो अब पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। जो भी चुनाव आएगा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी, और उसके चुनाव में कब तक कैंडिडेटों का सब चीजें अभी पाइपलाइन में है, अगले 2-3 महीनों में चीजें क्लियर होंगी। चंद्रयान 3 के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ी जीत है भारत की, बहुत बड़ी जीत। साउथ पोल के अंदर, चांद के साउथ पोल में उतरने वाला पहला यान है विश्व का और भारत का। उसकी मशीनरी भी भारतीय है, उसका सॉफ्टवेयर भी भारतीय है, उसमें धड़कने वाला दिल वो भी भारतीय है, उसको भेजने वाला भी भारतीय है, उतारने वाला भी वहाँ भारतीय है। और वहाँ भारत का जो पुराना यान है वो उसके भी संपर्क में है। अब तो भारत ने बहुत बड़ी जंप लगाई है। एक जमाने में भारत के बारे में पूरे विश्व में चुटकुले किए जाते थे, आज वही चुटकुले करने वाले मुंह में अंगली रख के देख रहे हैं कि ये भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा। कल तक ये चांद पहुंचे ही हैं और आज सूर्य सन को उसके ऊपर रिसर्च के लिए भी काम शुरू हो गया, बहुत बड़ी बात। सर एक सवाल है आखिर पर, ये आखिरी सवाल है, ये जो थर्ड टायर जो प्रोसेस थी यहाँ, पांच सरपंच, डीडीसी, कहीं ना कहीं लोग अब कह रहे हैं कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन होना चाहिए, तो उसमें थोड़े क्या लग रहा है कि कौन सी कमी है कि लोग फिर असेंबली चुनाव चाहते हैं कि या असेंबली चुनाव होंगे? हालांकि ग्रास रूट लेवल पर पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी तो काम कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को इत्मीनान क्यों नहीं? ऐसे कि चुनाव होंगे, समय पर होंगे, चीज़ें पूरी होने दीजिए, चुनाव ये चुनाव घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार। तो आप नहीं मानते ये जो फिर नाकाम हुआ है ये थर्ड रेट सिस्टम जो? ऐसा है कि हर एक का अपना रोल है। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, लेजिस्लेटिव का काम है स्टेट के अंदर लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, स्टेट लेजिस्लेटिव का काम है स्टेट के अंदर हेल्थ सर्विसेज को रखना,
फूड एंड सप्लाई की सर्विसेज को ठीक करना, पंचायत का काम है अपने पंचायत के अंदर के विकास को देखना। हर एक का अलग अलग रोल है, BDC अलग रोल है, DDC अलग रोल है, ये जितने टायर्स आप बता रहे हैं हर टायर का अलग रोल है। अब सरपंच पुलिस को क्या करना चाहिए वो नहीं डिसाइड कर सकता, वो विधानसभा डिसाइड करेगी। DDC डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है वो DDC डिसाइड करे, ब्लॉक का विकास कैसे करना है BDC डिसाइड करे, हर एक अपना अपना रोल है। तो आपकी नज़र में असेंबली इलेक्शन यही इस तरह पार्लियामेंट, मेरे को लगता है जल्दी होने वाले हैं, मतलब जल्दी, मैं घोषित नहीं कर सकता, चुनाव आयोग घोषित करे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।